सो गाइस, कैसे हो आप लोग? और वापिस आज अपन आ चुके हैं अनबॉक्स करने गूगल नेस्ट मिनी सेकंड जनरेशन। और इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और बहुत एक्साइटेड और एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो मेरे को ये दिला चुका है। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अपन इसके बॉक्स ऊपर आउटर बॉक्स में क्या क्या लिखा वो देख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले नीचे इस साइड देखते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस चारकोल कलर है मेरे पास। और पीछे साइड देखे तो कुछ बस इनने बताया कि कैसे रखना है आपको स्मॉल एंड माइटी। फिर ऊपर साइड देखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट लिखी है 4,499। लेकिन मैं आपको एंड में बताऊँगा कि इनको कितने का पड़ा। आप लिटरली शॉक होने वाले कितने सस्ता पड़ा मेरे को। और चलो यार जल्दी से ये लेफ्ट साइड में भी देख लेते हैं। तो इट सपोर्ट्स यूट्यूब म्यूजिक एंड प्ले जैज एंड समथिंग कैलकुलेटर गूगल डुओ फिलिप्स जो भी है नेटफ्लिक्स और गूगल असिस्टेंट। और राइट साइड में अपन को बस यहाँ पर दिखा देता है कि किस टाइप से यूज़ करना है। सो इस बार तो मैंने थोड़ा खर्चा करा और मतलब चाकू ले आया नीचे किचन से थोड़ी मेहनत करके। और जल्दी से इसको अपन ओपन करते हैं और मैं इस साइड से यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। हल्का सा अपन को बस एक चीरा लगाना रहता है और इसके बाद साउंड। तो चलो अब बॉक्स को उठा लेते हैं अपन। इतना टाइम लिटरली मैंने स्लो मोशन में नहीं चला रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। और हो गया। और सबसे पहले अपना ऊपर दिख सकता है अपना गूगल नेस्ट मिनी। और इसके साथ एक बॉक्स मिलता है साइड में नीचे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अपन को चार्जर। अच्छा, डायरेक्ट इस टाइप से अपन को पैकेज उठाना ही है और मैंने ये उठा लिया। और सिर्फ अपने गूगल नेस्ट मिनी इसको साइड में रखते हैं अपन इस साइड और नीचे देखते हैं बॉक्स में। तो यहाँ पर अपन को कुछ गाइड्स मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर नीचे कुछ मतलब बताया कि मैनुअल किस टाइप से आपको वर्क करना है और ये सब बता रहे हैं गूगल। और इसको साइड में रखते हैं और अपन को मिल जाती है इसकी चार्जिंग केबल। और अपन देख लेते हैं किस टाइप का बना है। तो बिल्ड क्वालिटी अगर आप ऊपर देखें तो अपन हल्का सा आपको रफ कपड़ा टाइप मिलेगा। और नीचे साइड देखते तो हल्का सा मैट और रबर हल्का सा टाइप रहता है प्लास्टिक का, जो बहुत ही अच्छी फील देता है। और इसके साथ अपन को मिल जाता है माइक ऑन एंड ऑफ का बटन और यहाँ पर आप हैंग करने का मिलता है। और यहाँ पर आप कर सकते हैं डायरेक्ट प्लग इन इस टाइप से, ताकि ये आपको ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब हमेशा इसको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा चार्जर से, और ये चार्जेबल नहीं है। जल्दी से मैं इसको प्लग इन कर लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने प्लग इन कर लिया है और यहाँ पर कुछ लाइट्स जल रही है आप देख सकते हैं। और सुनते हैं क्या बोलता है अपना गूगल नेस्ट मिनी सेकंड जनरेशन। और लेट्स सी, कुछ बोल तो नहीं रहा है अभी, बस कलर्स थोड़े डिम, चार लाइट्स जल रही है। लेट्स सी, जल्दी से बता दे भाई। और कुछ साउंड करा इसने और चार लाइट्स जल गए इसकी, ग्रीन ब्लू रेड। हेलो, नमस्ते। टू गेट स्टार्टेड डाउनलोड द गूगल होम ऐप। सो इट्स सेइंग गूगल होम ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को। सो जल्दी से अपन गूगल होम डाउनलोड कर लेते हैं। पर अपन यू ओपन कर लेते हैं अपना गूगल होम ऐप। और यहाँ पर मैंने ओपन पे क्लिक करा और स्टार्टेड एंड जस्ट मैं इससे ओपन कर लेता हूँ। और ओके, नेक्स्ट, अलाउ लोकेशन मांगेगा और सेटिंग्स पे जाके इसको अपन लोकेशन ऑन करना है। और लोकेशंस मांग रहा है, लेट्स सी क्या क्या मांगता है ये। एंड इट्स लुकिंग फॉर द डिवाइसेस और लेट्स सी कितनी टाइम लगता है। और यहाँ पर नेस्ट मिनी फाउंड कर लिया है और कनेक्टिंग टू नेस्ट मिनी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू लाइट जल चुकी है, तो शायद से कनेक्ट हो चुका है। आई लिटरली डोंट नो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम अनबॉक्स कर रहा हूँ इसको। और योर फोन और टेबल में डिस्कनेक्ट फ्रॉम वाईफाई ड्यूरी, ओके नो इशू, आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले इंटरनेट इसका ऑन कर दूँ अगर किसको कभी ज़रूरत पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आ चुका है। और डिड यू हियर द साउंड? यस आई हियर द साउंड, यस यस आई एम। और यहाँ पर कहाँ पर रखा है ये? सो मैं तो बेडरूम में हूँ एंड बेडरूम माई बेडरूम कस्टम नेम फॉर, चलिए इसका नाम लिख देते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय रूम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और लेट्स गो नेक्स्ट, अपन जो भी मांगता है अपन इसको नेक्स्ट टाइम सब आके जाते हैं क्या क्या मांगता है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और पता नहीं लोडिंग हो रहा है और इट्स जस्ट लोडिंग 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 एंड एक्टिवेट यू कैन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज
और ये बोल रहा है कि आपकी वॉइस ही रिकॉग्नाइज कर देगा, तो मैं नो थैंक्स अभी कर देता हूँ, क्योंकि गूगल में नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट. या आई एम श्योर बिकॉज सब यूज़ करने वाले मेरे हों घर में. सो आई एग्री, क्लोज एंड जस्ट अ सेकेंड. Hi, I'm your Google assistant, here to help you throughout your day. ये वाला अपन कर लेते, फर्स्ट वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि और मेरे पास गूगल म्यूजिक है, तो इससे कर देता हूँ, उसका प्रीमियम भी है. एंड जस्ट लिंक नेटफ्लिक्स तो भैया नहीं है हमारे पास. एंड जल्दी से कंटिन्यू, एंड इट्स फ़ोन नंबर जस्ट आस्किंग, और मैं फ़ोन नंबर दे दिया मैंने मेरा. नंबर वो वेरीफाइड भी हो चुका है अपना, एंड यू आर स्टार्टेड डन एंड साइंड अप. कंटिन्यू. 4 मिनट्स इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, सो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड. और यहाँ पर हो चुका है अपना लेट्स अबाउट, और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं एंड प्लान पॉज. और आप देख सकते हैं मिडल में जो टच है यहाँ पर प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, और इस साइड से चेंज वॉल्यूम, मतलब यहाँ से और इस साइड से, दैट्स गुड. और टच सेंसर से आप देख सकते हैं यहाँ से एक बटन है, अपने को बता रहा है कि गूगल असिस्टेंट आपकी साउंड नहीं सुनेगा. माइक ऑफ कर देगा अपना. और माई रूम स्पीकर इज रेडी, कंटिन्यू. और प्ले सम म्यूजिक, अपन यहाँ पर बोलते हैं. Hi, I'm your Google assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Finish setup. And यहाँ पर मैं सेटअप कर चुका हूँ, और लेट्स अब देखते हैं कि किस टाइप का रियल सेटअप ये यूज हो सकता है. सो गाइस, हमारा हो चुका है यहाँ पर सेटअप, और फाइनल सेटअप हो चुका है, तो लेट्स टेस्ट करते हैं कि किस टाइप का है. सो चलो सबसे पहले देखते हैं. ओके गूगल, हेलो. Hi, anything particular I can help you with? Play some music. Okay, Google. Play some music. Sure, music on YouTube Music. Here you go. Okay, Google. Increase the volume to the max. Okay, Google. Decrease the volume to the 3. मतलब मजा है यार, ये तो बोल के काम करो. मतलब ओके गूगल, ओके गूगल, टेल मी सम जोक. हियर्स अ जोक फॉर हैलोवीन. ओके गूगल, इंक्रीज द वॉल्यूम टू द मैक्स. बस ओके गूगल, पॉज. भैया कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए नो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाएंगे. और सो गाइस, यही था हमारा गूगल होम मिनी नेस्ट, नेस्ट मिनी जो भी कहें अपन, और वो है सेकंड जनरेशन. सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करो. लेकिन एंड में आपको एक सीक्रेट बताना था ना, तो चलो यार मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने कितने में बाय करा. सो ये मैंने बाय करा है, इसकी जो रियल कॉस्ट है वो इस पर अपन को बॉक्स में लिखी है. आप देख सकते हैं इस पे बॉक्स पे जो लिखी गई है वो कॉस्ट लिखी गई है 4,500 रुपीज़. लेकिन ये अगर आप यूं बाय करेंगे तो आपको ये अराउंड मिलेगा 3,999, मतलब 4,000 रुपीज़ में. लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये मैंने बाय करा है ओनली इन 700 रुपीज़. यस गाइस, लिटरली 700 रुपीज़ में बाय करा है. सो मैं आपको एक बार जल्दी से वो दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इसको बाय करा. सो आप देख लो एक बार, देखो मेरे को क्या ही बिल इशू आया. मतलब बिल लास्ट प्राइस जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 3,999, एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्योंकि मैंने सेल में बाय करा था. सो सेल में आप देख सकते हैं 2,299, ये बिग बिल एंड डेज में बाय करा था. फिर उसके बाद अपन को बाय मोर एंड सेव अप टू 2,500, वो 800 रुपीज़ उसके कट गए. फिर शिपिंग चार्जेस, क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट प्लस है तो उससे शिपिंग चार्जेस कट गए. उसके बाद वापस पता नहीं कैसे लग गया, बाय मोर एंड सेव अप टू 2,500, और मेरे को 800 और कट गया. तो आप देख सकते हैं मेरे को टोटल अमाउंट आया 699 रुपीज़. लिटरली मेरे को इतना सस्ता पड़ा ये गूगल नेस्ट मिनी सेकेंड जनरेशन. सो गाइस, लिटरली मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा. मतलब इतना सस्ता मेरे को मिला. सो मैंने जैसे आया, सेल बस 15 मिनट्स में ख़त्म होने वाली थी, मतलब 20
1st ऑफ अक्टूबर को हमें रात की 11:45 मीन्स 11:45 अराउंड तब सर्च कर रहा था और देखा आया, मैंने डायरेक्टली बाय कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। सो ये वीडियो मतलब बहुत ही लक था मेरा। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर देना। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।